Assalamu alaikum, students. I hope you are on time and home. Dear students, कल हमने सेट और इसके कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट थी, तो आज हम सम इम्पोर्टेंट सेट करेंगे, ठीक है? सम इम्पोर्टेंट सेट. अच्छा तो स्टूडेंट, ये आप अपने साथ नोट करते जाए. पहले राइट करें मार्कर से सम इम्पोर्टेंट सेट, मार्कर से राइट करें और अंडरलाइन करें, ठीक है? नंबर फर्स्ट वन है, नंबर सुपर सेट है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक है? नेचुरल नंबर को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, और अब देखिए ये 1 से 4 है, 1, 2, 3 एंड सो ऑन. और क्योंकि हम सेट की बात कर रहे हैं तो ये ब्रैकेट में लगा होंगे. अगर हम सिर्फ नेचुरल नंबर की बात कर रहे हैं तो फिर हम ब्रैकेट में लगा सकते हैं, क्योंकि सेट की बात हो रही है तो इसमें हम यहाँ पे ब्रैकेट लगाएंगे. अब सेटअप नेचुरल नंबर है तो नेचुरल नंबर किसे कहते हैं, ठीक है? वो नंबर जिसको हम काउंटिंग के लिए यूज करते हैं, वो नंबर जिसको हम काउंटिंग के लिए यूज करते हैं उसको हम नेचुरल नंबर कहते हैं, यानी 1, 2, 3 और नेचुरल नंबर जो है 1 से 5 होता है, इसको हम कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है? सेटअप नेचुरल नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल एन एंड स्टार्ट फ्रॉम 1, 2, 3 एंड सो ऑन, ठीक है? सेकेंड नंबर पॉइंट है सेट ऑफ होल नंबर. सेकेंड क्या है? सेट ऑफ होल नंबर, ठीक है? सेट ऑफ होल नंबर को हम कैपिटल W से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है? और ये 0 से स्टार्ट हो रहे, यानी अगर हम नेचुरल नंबर में 0 को शामिल कर ले तो इसका सेट बन जाता है, जिसको हम होल नंबर कहते हैं. तो होल नंबर को हम कैपिटल W से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है? वो नंबर जो 0 से स्टार्ट है. अब क्योंकि यहाँ पर सेट की बात हो रही है तो इसलिए हमने नंबर को ब्रैकेट में यूज किया है, ठीक है? अगर सिर्फ होल नंबर की बात हो रही होती तो फिर हम क्या करते हैं, ब्रैकेट में लगा देते, ठीक है? नंबर पर सेट ऑफ पहला नंबर पॉइंट है सेट ऑफ इंटीजर, सेट ऑफ इंटीजर, ठीक है? सेट ऑफ इंटीजर को हम कैपिटल Z से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है? और आप देखिए यहाँ पे, यहाँ पे पॉजिटिव नंबर भी है और नेगेटिव नंबर भी है, ठीक है? 0 के राइट साइड पे आर पॉजिटिव नंबर है और 0 के लेफ्ट साइड पे आर नेगेटिव नंबर है. अब एक बात है कि यहाँ पे इंटीजर्स को हमने कैपिटल Z से रिप्रेजेंट नहीं किया है, जबकि बाकी दो सेट में क्योंकि नेचुरल नंबर है तो एन से रिप्रेजेंट किया है, क्योंकि नेचुरल नंबर एन से स्टार्ट है. होल नंबर को हमने W से रिप्रेजेंट किया है क्योंकि वो W से स्टार्ट है होल नंबर. यहाँ पे इंटीजर को I से स्टार्ट है और हमने उसको Z से रिप्रेजेंट किया है, तो क्यों रिप्रेजेंट किया है? अब देखिए ये Z जो है, ये क्या है, ये नोटेशन Z जो इंटीजर के लिए यूज हुआ है, ये जर्मन वर्ड बैलन से निकला है, ठीक है? यहाँ पे जो 0 के लेफ्ट साइड से, 0 के जो राइट साइड के पॉजिटिव नंबर होते हैं, यहाँ पे क्या 0 के राइट साइड से आल पॉजिटिव नंबर होते हैं और 0 के लेफ्ट साइड से आल नेगेटिव नंबर होते हैं. तो अगर हम वहाँ पे जर्मन में इसलिए बैलन पावर इसलिए यूज हुआ है कि आल पॉजिटिव नेगेटिव नंबर टूगेदर विद 0 को हम बैलेंस करते हैं, तो इसी बिना पे इंटीजर को हम Z से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है? हम इंटीजर्स को इसी तरह भी राइट कर सकते हैं, हमने अलग अलग लिखे हैं, यानी 0 के लेफ्ट साइड पे पॉजिटिव साइन, यानी 0 के राइट साइड पर लिखे +1, +2, +3 एंड सो ऑन, एंड 0 के लेफ्ट साइड पे रखे नेगेटिव नंबर से -1, -2, -3 एंड सो ऑन, ठीक है? अब हम इसको करेक्टली इस तरह भी राइट कर सकते हैं, 0, +1, यानी अलग अलग लिखने की बजाय हम इसको एड कर देते हैं, +1, -1, +2, -2, ठीक है? नेक्स्ट +3, -2 एंड सो ऑन, ठीक है? आप अगर ऊपर वाले भी लिखते हैं तो वाला राइट करें या नीचे वाले, या दोनों भी लिख सकते हैं, तो ये इंटीजर्स है, ठीक है? नेक्स्ट सेट ऑफ इवन नंबर, सेट ऑफ इवन नंबर. अब क्योंकि इवन नंबर ई से स्टार्ट है तो इसलिए हम इसको कैपिटल ई से रिप्रेजेंट करेंगे. अब इस मार्क इसे हम रिप्रेजेंट नहीं कर सकते क्योंकि सेट को हम जब रिप्रेजेंट करते हैं तो वो कैपिटल इंग्लिश अल्फाबेट से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है? अब इवन नंबर 2 से स्टार्ट होते हैं, 2, 4, 6 एंड सो ऑन, यानी वो नंबर जो 2 से डिविजिबल हो, जो नंबर 2 से डिविजिबल हो या 2 से डिवाइड हो उसको हम इवन नंबर कहते हैं, और इवन नंबर को हम कैपिटल ई से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है? अब क्योंकि ये सेट की बात हो रही है तो इसलिए हम इवन नंबर को ब्रैकेट में क्लोज करेंगे, ठीक है? अगर ये सिर्फ इवन नंबर होते हैं हम ब्रैकेट नहीं लगाएंगे.
Next, the five set of odd numbers. Set of odd numbers. अब odd numbers ऐसे चार है तो इसलिए हम इस सब को कैपिटल O से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। अब odd numbers वो numbers होते हैं जो two के डिविजिबल ना है, ठीक है, उसको हम odd numbers कहते हैं, जैसे कि 1, 3, 5 and so on। अब क्योंकि यहाँ पर भी सच की बात हो रही है तो इसलिए हम नंबर्स को ब्रैकेट में क्लोज करेंगे, ठीक है। नाउ नेक्स्ट नंबर, नंबर सिक्स, सेट ऑफ प्राइम नंबर्स। सिक्स नंबर है सेट ऑफ प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स क्योंकि थ्री से स्टार्ट है इसलिए हम इसको कैपिटल थ्री से रिप्रेजेंट करेंगे, और प्राइम नंबर जो है वो थ्री से स्टार्ट होते हैं। प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिसके टू फैक्टर्स है, ओनली टू फैक्टर्स, यानी टू डिवाइजर, मतलब कि हर नंबर वो नंबर जिससे होते हैं टू नंबर की डिवाइड हो सकते हैं, एक्स वन और दूसरा एक्स टेन। मैंने अभी टू को देखे, यहाँ पे टू लिखू देखे, इसको ध्यान रखा में टू जो है अगर हम वन की डिवाइड कर ले तो वन टू या टू तो रिमाइंडर जो है वो जीरो आ जाता है। तो ये टू क्या है, जब ये टू इस टू का डिवाइजर है, ठीक है। अब अगर हम इनको तो वो नंबर जिसके सिर्फ दो फैक्टर्स हो, यानी टू नंबर्स के डिविजिबल हो, एक वन के और दूसरा अपने आप, इसके अलावा और नंबर के वो डिविजिबल ना हो, ठीक है, तो उस नंबर को हम प्राइम नंबर कहते हैं। इसी तरह थ्री देखिए, थ्री भी सिर्फ वन पर डिवाइड होता है और अपने आप ही, यानी थ्री के, इनके अलावा और नंबर के डिवाइड नहीं हो सकता। फाइव है, फाइव जो है ये भी सिर्फ वन के और अपने आप ही डिवाइड होता है, इसके अलावा और नंबर से ये डिविजिबल नहीं है। फिर सेवन है, सेवन जो है ये भी वन पर डिवाइड होते हैं और अपने आप से, इनके अलावा और नंबर से ये डिविजिबल नहीं है। नेक्स्ट है इलेवन, इलेवन जो है ये भी वन पे और अपने आप के अलावा और नंबर से डिवाइड नहीं हो सकता। मैंने ऐसे तमाम नंबर, जैसे फाइव नंबर जो कि सिर्फ वन और अपने आप से डिविजिबल है, इनके अलावा और नंबर के डिविजिबल ना हो, यानी वो नंबर जिसके ओनली टू फैक्टर्स हो, जिसके टू डिवाइजर हो, तो उसको हम प्राइम नंबर कहते हैं। और फिर प्राइम नंबर को हम कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं, और यहाँ पे क्योंकि हम सेट की बात कर रहे हैं तो इसलिए हम प्राइम नंबर को फर्दर क्या करेंगे, ब्रैकेट में इंक्लोज करेंगे, राइट करेंगे या बंद करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट सेट नंबर एट है, देखिए एट नंबर सेट ऑफ कंपोजिट नंबर, सेट ऑफ कंपोजिट नंबर, ठीक है। अब कंपोजिट नंबर जो है ये कैपिटल कंपोजिट जो है ये सी से स्टार्ट है, जैसे हम इसको कैपिटल सी से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। अब कंपोजिट नंबर कौन से नंबर है, तो ये बिल्कुल प्राइम का ऑपोजिट है। प्राइम नंबर के ओनली टू फैक्टर्स होते हैं और कंपोजिट नंबर्स के मोर देन टू फैक्टर्स होते हैं, यानी कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं जिसके दो से ज्यादा डिवाइजर होते हैं, यानी दो से ज्यादा नंबर्स के डिविजिबल होते हैं। नंबर देखिए ये फोर है, फोर जो है ये वन पर भी डिवाइड होता है, अपने आप पर भी डिवाइड होता है, यानी फोर पर, इसके अलावा इन दो नंबर्स के अलावा टू पर भी डिविजिबल है। तो आप देखिए इसकी थ्री फैक्टर्स है, एक्स वन, दूसरा टू, तीसरा एक्सएल, यानी अब देखिए मोर देन टू नंबर्स के ये फोर जो है ये डिविजिबल है, इसलिए फोर जो है ये क्या है, ये कंपोजिट नंबर है। नेक्स्ट सिक्स है, सिक्स जो है ये भी कंपोजिट नंबर है क्योंकि ये वन और एक्सएल अपने आप के अलावा और नंबर से डिविजिबल है। देखिए सिक्स वन पर भी डिवाइड होता है, सिक्स टू पर भी डिवाइड होता है, सिक्स थ्री पर भी डिवाइड होता है, और सिक्स जो है ये सिक्स पर भी डिवाइड होता है, तो इसके फोर फैक्टर्स है, यानी मोर देन टू फैक्टर्स है, तो इसे ये कंपोजिट नंबर है। एट को देखिए, एट जो है इसकी भी मोर देन टू फैक्टर्स है, एट वन पर भी डिवाइड होता है, टू पर भी डिवाइड होता है, फोर पर भी डिवाइड होता है, और अपने आप पर यानी एट पर भी डिवाइड होता है। नाइन क्या है, ये भी कंपोजिट नंबर है, ये नाइन ऑड नंबर भी है और कंपोजिट नंबर भी है, और इसलिए है क्योंकि टू पे डिविजिबल नहीं है, ठीक है, और कंपोजिट इसलिए है क्योंकि इसके मोर देन टू फैक्टर्स है। नाइन वन पर भी डिवाइड होता है, नाइन थ्री पर भी डिवाइड होता है, और नाइन अपने आप पर भी डिवाइड होता है, उसके टू टू से क्या है ज्यादा सकते हैं, तो इसको ये कंपोजिट नंबर है, ठीक है। सेट ऑफ कंपोजिट नंबर थ्री रिप्लेस हम कैसे थ्री से रिप्रेजेंट करते हैं, और कंपोजिट नंबर है ये फोर से स्टार्ट होते हैं, फोर सिक्स एट नाइन एंड सो ऑन, ठीक है। वो नंबर जिसके दो से ज्यादा फैक्टर्स है, मोर देन टू फैक्टर्स है, मोर देन टू डिवाइजर्स है, उसको हम कंपोजिट नंबर कहते हैं, ठीक। अच्छा नेक्स्ट है सेट ऑफ रेशनल नंबर, सेट ऑफ रेशनल नंबर। अब रेशनल नंबर क्योंकि आर से स्टार्ट है, लेकिन हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल क्यू से,
क्यों? क्योंकि इन सेट में जितने भी नंबर होते हैं वो क्वेश्चन के फॉर्म में होते हैं, यानी वो डिवाइड के फॉर्म में होते हैं। तो क्योंकि यहाँ पर जितने भी नंबर है वो क्वेश्चन फॉर्म में होते हैं, डिवाइड फॉर्म में होते हैं, इसलिए हम इसको क्यू से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, ये इसका जनरल फॉर्म है, एक्स सेट जेड एक्स इक्वल टू पी बाई क्यू, वेयर क्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो एंड पी क्यू बिलोंग टू इंटीजर, दैट मींस इंटीजर। P by Q का मतलब है डिवाइड फॉर्म। अब P और Q दो है इंटीजर्स है, इंटीजर्स में क्योंकि पॉजिटिव नंबर भी होते हैं, नेगेटिव नंबर भी होते हैं, जीरो भी होता है। ठीक है, अब P by Q, P जो है ये ऊपर आप देखिए ये दरमियानी जो लाइन है ये, इसको हम फ्रैक्शन बार कहते हैं। ठीक है, इसको फ्रैक्शन बार कहते हैं। फ्रैक्शन बार का जो ऊपर वाला हिस्सा इसको हम न्यूमेरेटर कहते हैं, नीचे वाले पार्ट हम डिनोमिनेटर कहते हैं, यानी डिवाइड वाले फ्रैक्शन होते हैं। ऊपर वाला पार्ट और नीचे वाला पार्ट दोनों क्या है, ये इंटीजर्स होंगे, यानी ये ऊपर वाला नंबर पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। ठीक है, इसी तरह डिनोमिनेटर जैसे क्यों है, ये भी क्योंकि इंटीजर है तो ये भी पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन ये जीरो भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे समझन गए हैं कि क्यों इज नॉट इक्वल टू जीरो, यानी ये क्योंकि इसमें नंबर फ्रैक्शन फॉर्म में होता है, यानी जितनी भी फ्रैक्शन है यहाँ पे देखिए ऑल फ्रैक्शन आर फाइव रैशनल नंबर, यानी इसके 1 बाई 2, माइनस 5 बाई 7, 11 बाई 13 एंड सो ऑन। यहाँ पे अब देखिए यहाँ पे पी की वैल्यू 1 है, क्यों की वैल्यू 2 है। ठीक है, तो क्यों इसलिए 0 दे सकता है क्योंकि यहाँ पे नंबर फ्रैक्शन फॉर्म में होते हैं, तो किसी भी फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर जो है वो 0 नहीं हो सकता। मतलब है कि वन ऊपर वाले नंबर नीचे वाले नंबर से डिवाइड हो रहा है, यानी वन टू भी जब हम डिवाइड करेंगे तो पांच में आ जाएगा। तो अगर हम नीचे जीरो लगा ले तो फिर ऐसा तो कोई भी नंबर एग्जिस्ट नहीं पाता जो जीरो पे डिविजिबल हो, यानी जीरो पे कोई भी नंबर डिवाइड नहीं हो सकता, तो फिर एग्जिस्ट नहीं हो पाता। इसका यहाँ पे एक कंडीशन पहले है कि क्यों इज नॉट इक्वल टू जीरो, यहाँ पे क्यों मतलब डिनोमिनेटर है, क्यों से माना जा सकता है डिनोमिनेटर, यानी किसी भी जो है वो जीरो नहीं हो सकता। ठीक है, यहाँ पे देखिए सेकंड माइनस 5 बाई माइनस 7 बाई 5 है, टी की वैल्यू यहाँ पे माइनस 7 है, क्यू की वैल्यू यहाँ पे 5 है, यानी माइनस 7 डिवाइड बाय 5। तो जितनी भी फ्रैक्शन होते हैं चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, उन सबको हम क्या कहते हैं, रैशनल नंबर कहते हैं। और क्योंकि ये क्वेश्चन फॉर्म में है तो इसलिए हम इसको कैपिटल क्यू से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो मैं कैसे बताती हूँ सम इम्पोर्टेंट पॉइंट अबाउट इट, या सम अब यहाँ पे ये तो हम पढ़ चुके हैं, अब हम सम इम्पोर्टेंट सेट करेंगे। तो सम इम्पोर्टेंट सेट में फर्स्ट नंबर जो है क्या था, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स को हम कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं और ये 1 से स्टार्ट होते हैं। वो वाले नंबर क्योंकि हम काउंटिंग के लिए यूज कर रहे हैं, इसको हम नेचुरल नंबर को हम काउंटिंग नंबर भी कह सकते हैं। ठीक है, और ये 1 से स्टार्ट होता है। सेकेंड नंबर जो सेट मैंने आपको लिखाया था वो है सेट ऑफ होल नंबर, सेट ऑफ होल नंबर, होल नंबर को हम कैपिटल जेड से रिप्रेजेंट करते हैं और ये जीरो से स्टार्ट होते हैं। यानी आप देखिए 1 से आगे नंबर से ये सारे नेचुरल नंबर है और नेचुरल नंबर से आगे हमने जीरो को लगाया है, तो अगर हम नेचुरल नंबर में जीरो को शामिल कर ले तो वो क्या हो जाता है, ये होल नंबर बन जाता है। ठीक है, और फिर होल नंबर को हम डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। थर्ड नंबर सेट ऑफ इंटीजर्स का, सेट ऑफ इंटीजर्स को हम कैपिटल जेड से रिप्रेजेंट करते हैं और जेड से इसलिए रिप्रेजेंट करते हैं क्योंकि ये जर्मन वन पहले से निकला है, पहले 9 नंबर होते हैं जिसमें पॉजिटिव नेगेटिव और जो सारे नंबर शामिल होते हैं, ऑल पॉजिटिव नंबर ऑल नेगेटिव नंबर टुगेदर विद जीरो आर इंटीजर, इसको क्या हम कैपिटल जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको हम अलग अलग भी रख सकते हैं, यानी जीरो के राइट साइड से ऑल पॉजिटिव नंबर दैट इज प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 एंड सो ऑन, और जीरो के लेफ्ट साइड के नेगेटिव नंबर माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3। अब जो नंबर्स नेगेटिव होते हैं नेगेटिव होने जीरो के लेफ्ट साइड पे हम देखेंगे, लेफ्ट साइड से जीरो के जो लेफ्ट साइड के नंबर है वो लेस देन जीरो है, ऑल नेगेटिव नंबर जो है वो जीरो से लेस होंगे और ऑल पॉजिटिव नंबर जिसको हम जीरो के राइट साइड पे रखते हैं ये ग्रेटर देन जीरो, यानी पॉजिटिव नंबर जो है वो जीरो से ग्रेटर होते हैं और नेगेटिव नंबर जो है ये जीरो से लेस होते हैं। इसको हम कलेक्टिव इस तरह भी राइट कर सकते हैं अलग अलग लिखने की बजाय, यानी जीरो मेंशन किया है कॉमा प्लस माइनस 1, यानी इसमें प्लस 1 भी है माइनस 1 भी है, नेगेटिव एंड पॉजिटिव दोनों है, प्लस माइनस 2 फिर प्लस माइनस 3 एंड सो ऑन। ठीक है, नंबर 4 सेट ऑफ इवन नंबर, इवन नंबर को हम कैपिटल ई से रिप्रेजेंट करते हैं और ये 2 से स्टार्ट होते हैं, वो नंबर जो कि 2 पे डिविजिबल है उसको हम इवन नंबर कहते हैं। नंबर 5 सेट ऑफ ऑड नंबर, ऑड नंबर
फोन नंबर जो कि क्योंकि डिविजिबल ना हो, इसको हम कैपिटल ओ से रिप्रेजेंट करते हैं। नंबर सिक्स, सेट ऑफ प्राइम नंबर, प्राइम नंबर को कैपिटल पी से रिप्रेजेंट करते हैं, और वो नंबर जिनके सिर्फ और सिर्फ टू फैक्टर्स हैं, ओनली टू फैक्टर्स, एक वन दूसरा एक फाइव, इनके अलावा और फैक्टर्स ना हो, इन ऑन नंबर से डिविजिबल ना हो, इसको हम प्राइम नंबर कहते हैं। एट नंबर, सेट ऑफ कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर को कैपिटल पी से रिप्रेजेंट करते हैं, और इनमें वो नंबर शामिल होते हैं जिसके मोर देन टू फैक्टर्स होते हैं, यानी एक वन और दूसरे का अपना होता है लेकिन इसके अलावा और नंबर से भी वो डिविजिबल है, तो इसको हम कंपोजिट नंबर कहते हैं। नंबर नाइन, सेट ऑफ रेशनल नंबर, इसको कैपिटल टू से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका जनरल फॉर्म मैंने आपको बताया इससे पहले कि एक्स प्लस जेड, एक्स इक्वल टू पी बाई क्यू, वेयर क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो एंड पी क्यू बिलोंग टू, ये ई लगा के लगा है, ये कैंडल है, इसका मतलब है बिलोंग या मेंबर, बिलोंग टू जेड, जेड का मतलब है इंटीजर, यानी पी और क्यू, यहाँ पे पी न्यूमेरेटर में है, क्यू जो है डिनोमिनेटर में है, यानी न्यूमेरेटर और डिनोमिनेटर में जो नंबर होंगे वो दोनों क्या है, वो इंटीजर से बिलोंग करेंगे, यानी पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं और जीरो, लेकिन यहाँ पर क्यू के लिए कंडीशन है कि क्यू जो है वो नॉट इक्वल टू जीरो होगा, यहाँ पे क्यू से मुराद है डिनोमिनेटर, यानी किसी भी फंक्शन का डिनोमिनेटर जो है वो जीरो नहीं हो सकता। हम रेशनल नंबर को इस तरह भी डिफाइन करते हैं, कर सकते हैं, ऑल फ्रैक्शंस आर पार्ट रेशनल नंबर, जितनी भी फ्रैक्शंस होते हैं चाहे वो पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, इन सबको हम रेशनल नंबर कह सकते हैं, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हम क्या करेंगे, मेथड ऑफ राइटिंग असेट, नेक्स्ट टॉपिक है मेथड ऑफ राइटिंग असेट, सेट का डिफिनेशन आप लोग कर चुके हो, अब हम सेट को यानी किसी एक सेट को कितने तरीके से राइट कर सकते हैं, ठीक है, मेथड ऑफ राइटिंग असेट, ठीक है, देयर आर थ्री मेथड ऑफ राइटिंग असेट, देयर आर थ्री मेथड ऑफ राइटिंग असेट, फर्स्ट नंबर टेबुलर फॉर्म, सेकंड डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, थर्ड नंबर टेबुलर फॉर्म, यानी हम किसी भी एक सेट को तीन तरीकों से लिख सकते हैं, टेबुलर फॉर्म है, डिस्क्रिप्टिव है, टेबुलर फॉर्म, टेबुलर फॉर्म में हम सेट के एलिमेंट्स को ब्रैकेट के अंदर राइट करके उसके दरमियान कॉमा लगाते हैं, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में सेट के एलिमेंट जो है वो इन द फॉर्म ऑफ सेंटेंस होते हैं, और टेबुलर फॉर्म में जो है वो कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज यूज होती है, यहाँ पे जो आपने सिर्फ टेबुलर फॉर्म पढ़े क्लासिक्स में आपने टेबुलर फॉर्म राइट करें, बाकी जो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है और टेबुलर फॉर्म है ये आप लोग आगे क्लासेस में करोगे, ठीक है, तो इसलिए टेबुलर फॉर्म का डेफिनेशन जो है ये अपने साथ नोट कर लें, टेबुलर फॉर्म, In this method, all the elements of the set are written within braces and are separated by comma. इस method में हम set के सारे elements को तमाम elements को braces के अंदर write करते हैं और comma से separate करते हैं. कैसे देखिए, In this method, all the elements of the set are written within braces and are separated by comma. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ए सेट देखिए, ए सेट के जो एलिमेंट है वन टू थ्री एंड फोर, एलिमेंट्स को ब्रैकेट के अंदर लिखे गए हैं और हर एलिमेंट के दरमियान जो है वो कॉमा प्लेस किया गया है, यानी एलिमेंट को कॉमा से सेपरेट किया है और ब्रैकेट के अंदर लिखे गए हैं, तो ये टेबुलर फॉर्म ऑफ असेट है। सेकेंड देखिए, बी इज इक्वल टू, अब देखिए ए ई आई ओ यू, यहाँ पे सेट के एलिमेंट ब्रैकेट के अंदर लिखे गए हैं और हर एलिमेंट के दरमियान जो है कॉमा प्लेस किया गया है। थर्ड नंबर है सी, यहाँ पर हम सेट के एलिमेंट इन द फॉर्म ऑफ नेम भी राइट कर सकते हैं, जैसे कि अवैध, रजा एंड असद, तो अब देखिए ये क्योंकि नेम है तो फर्स्ट लेटर तो मोस्ट कैपिटल होगा, बाकी स्मॉल लेटर से राइट करेंगे, अगर ये जस्ट लेटर से सकते हम स्मॉल में लिखते हैं, लेकिन क्योंकि ये नेम है तो इसलिए हम इसमें फर्स्ट लेटर जो है ये कैपिटल राइट करेंगे, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट, आज हमने सम इम्पोर्टेंट सेट और कुछ मेथड ऑफ राइटिंग असेट की है, आप इसकी अच्छी तरह से लर्न करें, राइट भी कर लें, और ये आप जो है होमवर्क में ले लें कि लर्न डेफिनेशन ऑफ टेबुलर फॉर्म ऑफ असेट, ठीक है स्टूडेंट, उम्मीद आप लोगों को थोड़ा होगा और आप लोगों ने, ठीक है।